हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज गाइज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। सबसे पहले हम आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे, क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं, आपका ख्याल रखना मेरा काम है। और जो भी नए व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग तक आए हैं, अगर उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। और जो ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको थैंक यू सो मच। तो गाइज शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पहले हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप हम आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी भी चेक करेंगे और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की एनर्जी भी चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वरना कोई ना कोई मैसेज आपसे मिस हो सकता है। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद करना गाइज, मैं भी आपके लिए प्रे करती हूँ, जब भी प्रे करती हूँ मैं। आज भी मैंने प्रे की है आपके लिए यूनिवर्स से, गॉड से, कि आप मेरे व्यूवर्स हमेशा खुश रहें और आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे, आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले। मैं यही दुआ करती हूँ गॉड से कि आप हमेशा खुश रहें, आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे। चलिए गाइस शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखिए गाइस, जो यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आपको अपनी बॉडी और स्पिरिट को क्लींस करना है, कल भी आया था हमारे लिए मैसेज, तो खासकर आपको इस पर ध्यान देना है क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है आपके माइंड में भी और आपके आसपास भी, तो आपको जो है उसको क्लींस करने की ज़रूरत है। बार बार यही मैसेज मिल रहा है, आप अपने आप को चेंज करिए। जो भी थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं आप उनको पकड़ करके बैठे हैं, आप उनको दूर करिए, लेट गो करिए, पास्ट को लेट गो कर दीजिए और फिर आगे बढ़िए, इससे आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। जितना आप यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे, यूनिवर्स से बिल्कुल जैसे हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन करते हैं ना, इस तरह से दिल से बात करेंगे उनसे, यानी कि एकदम आप अपने भगवान में ही लीन हो जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, तब आपको आसपास कौन क्या कर रहा है वो समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल आप कंसंट्रेट होकर के आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो इससे क्या होगा कि आप गॉड से कनेक्ट हो पाएंगे और गॉड आपको सही रास्ता दिखा पाएंगे, आपकी सोल की जर्नी आसान हो जाएगी, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस। कम्युनिकेशन इज़ की। देखिए बार बार कहा जा रहा है, ये बार बार कार्ड आता है कि बात कीजिए, बात कीजिए, बात कीजिए। जब तक आप अपने पार्टनर से बात नहीं करेंगे, अगर ऑन ऑफ की सिचुएशन है तो तब तक कोई भी समस्या का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आपकी इस बातचीत का बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट निकलने वाला है अगर आप बात करेंगे तो। अगर आप जो है आपके पर्सन से बात कर रहे हैं और आप उनके साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं और फिर आपका बीच में झगड़ा हो जाता है, तो ये सब कुछ आपका देखा जा रहा है कि आपको चेक किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप कितना निभा पाते हैं, कितना उनके साथ में कोऑपरेट कर पाते हैं, ये सब कुछ देखा जा रहा है। अगर आपके पर्सन आपके पास आए भी हैं या फिर आप स्टार्ट करना चाहते हैं उनके साथ में, तो अभी आपकी क्या सिचुएशन है वो सब गॉड देख रहे हैं और उसी के बेस पर आपके पर्सन आपके पास में रुकेंगे, ठीक है। अगर किसी के पर्सन ने ब्लॉक कर रखा है वो सिचुएशन तो अलग है, आप कहेंगे कि मैडम ब्लॉक कर रखा है कैसे बात करेंगे, तो देखिए गाइस वो सिचुएशन अलग है, ये सिचुएशन अलग है, ठीक है। मतलब जिनकी बातचीत हो रही है या ऑन ऑफ की सिचुएशन है तो वो सिचुएशन तो अलग हो गई है, ठीक है, उसमें तो हम ठीक से बात कर सकते हैं उनसे कम से कम। देखिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना है, आपको ज़िंदगी में जो भी चाहिए उसमें जो है आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करिए और आपको वो ज़रूर मिलेगी। आपको गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखकर चलना है, जितना आप गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखेंगे उतनी ही आपकी लाइफ बेटर होती चली जाएगी। आप दूसरों को गाइडेंस दीजिए और दूसरों का भरोसा बनिए, यही कहा जा रहा है कि यूनिवर्स यही कह रहा है कि आप दूसरों को दिशा दिखाइए,
और आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से श्रम की तुलना मत कीजिए। अगर आपको जीवन में बहुत ज़्यादा दुख मिल रहे हैं तो बार बार यही कार्ड आ रहे हैं कि आपका सफ़र अनोखा है, आप अद्वितीय हैं, आप किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि हर एक की जर्नी अलग होती है, हर एक का सोल का पर्पज़ अलग होता है, हर एक के कर्माज अलग होते हैं। इसलिए यूनिवर्स यही कह रहा है कि आप जो है अद्वितीय हैं और आप अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए, यही कहा जा रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए इस तरफ। चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। देखिए, कम टुगेदर, आपको पास आना है और यहाँ पर बताया गया है कि एंजल्स जो हैं आपका हाथ पकड़े हुए हैं, आपको हर टाइम जो है सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी जो टीम है वो आपको जो है सपोर्ट कर रही है और आपको हेल्प कर रही है आगे बढ़ने में। लाइट, एंजल्स आपको जो है शैडो साइड से बाहर निकाल रही हैं, आपकी जो शैडो साइड है उससे बाहर निकाल रहे हैं। करंट सिचुएशन में आपको लाइट प्रोवाइड करवा रही हैं, यानी कि अपना जो सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही हैं। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अंधेरे से बाहर निकली, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि आप अंधेरे से बाहर निकले, आपको सपोर्ट किया जा रहा है और आपको खुद भी एफर्ट्स लगाने हैं। ठीक है, यहाँ पर मैजिक पर बिलीव करिए, जो भी आपके सामने हो रहा है अपनी आंखों पर विश्वास करिए, आप उसको देखिए, मैजिक हो रहा है आपके आसपास। आप जितना नेचर से जुड़ेंगे उतना ही आपकी लाइफ में मैजिक होगा। ठीक है, यानी कि आप जो है जितना नेचर से कनेक्ट होंगे उतना ही आपको हैप्पी फील होगा। थोड़ा सा म्यूजिक सुनिए, जितना आप म्यूजिक सुनेंगे उससे भी आपकी जो हीलिंग होगी, इसलिए आपको म्यूजिक सुनना चाहिए। आपकी सोल जो है वो भी हील होगी, आपकी पास्ट की मेमोरी जो है ताज़ा हो जाएंगी और आपको बहुत ही हैप्पी फील होगा। ठीक है, तो चलिए गाइस अभी देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। चलिए देख लेते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, क्योंकि कई बार हमने एनर्जी चेक कर लिया उसमें तो आपके पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी में। देखते हैं आज क्या निकल कर आता है। देखिए, किसकी एनर्जी पीक होती है मुझे नहीं पता, ये मत बोलना कि मैडम कल तो आपने ये बताया था और आज ये रीडिंग में आया है। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी पीक होती है, मुझे नहीं पता कितने लोग इस एनर्जी से रिलेट कर पाएंगे और क्या एनर्जी निकल कर आएगी। देखिए, मैं आपके सामने ही कार्ड निकालूंगी। ठीक है, जो एंजल मुझे गाइड करती है मैं वही रीडिंग करती हूँ, मैं अपने मन से कोई रीडिंग नहीं करती और कार्ड जो बोलती है वही बताती हूँ। ठीक है, देखिए, गिल्ट, गिल्ट तो है, चाहे थर्ड पार्टी को है चाहे आपके पर्सन को है, यहाँ पर तो गिल्ट तो है। दो फूल मुझे यहाँ पर गाइज दिखाई दे रहे हैं कि वैसे ये सभी साइन के लिए है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग सभी साइन के लिए होती है, तो कोई स्पेशल साइन इसमें नहीं है, सभी 12 राशियों के लिए है ये रीडिंग। ठीक है, किसी भी चैनल पर आप देख सकते हैं, कलेक्टिव रीडिंग हमेशा 12 राशियों के लिए होती है, आपके पर्सन की कोई भी राशि हो सकती है। ठीक है, और गाइज ये टाइमलेस रीडिंग होती है, मेरे चैनल पर जितनी भी रीडिंग है सारी टाइमलेस रीडिंग है, जब आप देखना चाहें तभी आप उनको देख सकते हैं, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, मतलब 6 महीने में, 1 साल में, 8 महीने में, 3 महीने में, जब भी आप देखें उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइज मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारी थर्ड पार्टी की रीडिंग है अलग अलग टॉपिक पर, अलग अलग जो है टाइटल है उनके, तो आप जो चाहे वो रीडिंग देख सकते हैं मेरे चैनल से। थर्ड पार्टी की दुनिया भर की रीडिंग आपको मिलेंगी इस पर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली थर्ड पार्टी की रीडिंग के लिए भी, और भी आपको इस पर करंट फीलिंग्स की रीडिंग मिलेगी और थर्ड पार्टी की। ठीक है, मैंने अभी बनाई थी एक रीडिंग, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है वो आपको मिलकर ही रहेगा, वो भी देख लीजिए आप। मैंने रात की रीडिंग भी डाल रखी हैं, आपके पार्टनर को स्पाई करते हैं, और भी मैंने बहुत सारी रीडिंग डाल रखी हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकती हैं, ब्लॉक सिचुएशन की भी डाल रखी हैं। ठीक है, चलिए गाइस देखते हैं। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि कई दिन से मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में संघर्ष हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है लड़े झगड़े हो रहे हैं, उनके थॉट्स मैच नहीं हो रहे हैं, उनमें आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो ये हम कई दिन से चेक कर रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी वही निकल कर आती तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो इसमें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गिल्ट है, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रही है कि मैं यहाँ पर क्यों फंस गया हूँ,
उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इस फैमिली में आकर के या अदर पर्सन जो है उनके पास में आकर मैं क्यों फंसा हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे दिमाग पर क्या पर्दा पड़ गया था कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं यहाँ पर आकर फंसा अपने पार्टनर को छोड़ करके। तो उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है, वो इन चीज़ों को छोड़ करके बाहर निकलना चाहते हैं। देखिए, वो इन सब चीज़ों को छोड़ करके बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो सब चीज़ छोड़ छाड़ करके, उनको नहीं चाहिए कुछ भी स्टेबिलिटी, उनको नहीं चाहिए कोई भी खुशी थर्ड पार्टी में, वो वहाँ से छोड़ करके बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन ऐसा सोच रहे हैं कि कोई मुझे यहाँ से उड़ान दिला दे, यानी कि यहाँ से इन सलाखों के पीछे से निकाल दे कोई मुझे। वो ऊपर मुंडी करके देख रहे हैं, वो ऊपर मुंह करके देख रहे हैं कि कितने पक्षी स्वतंत्र आसमान में उड़ रहे हैं। देखिए, वो उन पक्षियों को कितना खुश देख रहे हैं। तो वो ये सोच रहे हैं कि काश मेरी ज़िंदगी में भी इतनी खुशियाँ होती, काश मैं भी उड़ान भरता, काश मेरी भी कोई एक ज़िंदगी होती इन सलाखों के पीछे ना होकर के मैं भी आसमान में उड़ता, खुले आसमान में हवा के झोंके के साथ में मैं एंजॉय करता। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं कि इन सलाखों के पीछे फंसने की बजाय मैं अगर खुले आसमान में उड़ता तो कितना अच्छा होता मेरे लिए। तो गाइज, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो उड़ना चाहते हैं, अभी वहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि ब्रेक थ्रो का कार्ड भी आया है। सब कुछ छोड़ छाड़ करके वहाँ से वो निकलना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपके सपने ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपने ले रहे हैं। थर्ड पार्टी जो है उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं आप अभी तक जिंदा हैं, आप को वो अभी तक चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो है उनके साथ में पीस और हारमोनी चाहती है। वो चाहती है कि हम फिर से एक साथ हों, चाहती है कि हम फिर से जो है सब कुछ ठीक कर लें, हारमोनी से पीस से आगे लाइफ को ले जाएं, ऐसा वो आपके पर्सन के साथ देख रही है। थर्ड पार्टी यहाँ पर फैमिली और जो अदर पर्सन है दोनों की ही एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो फिर से एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नई विजन से अपनी लाइफ को देखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जो अभी हो गया उसको चलो छोड़ो, जो भी हो गया है वो हमारे बीच में वो किसी को नहीं पता है, और आप और हम आगे बढ़ते हैं और एक नई बिगनिंग करते हैं। ऐसा थर्ड पार्टी कह रही है कि हम एक न्यू स्टार्ट करते हैं और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, यानी कि जो अदर पर्सन है वो ये कहते हैं कि दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं हम, और जो अदर पर्सन है वो कह रहे हैं कि आपके पर्सन के साथ में एक नई शुरुआत करें, यानी कि वो कहते हैं कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और फिर से एक नई शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मुझे यहाँ पर गाइस दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो हैं बहुत परेशान हो चुके हैं इस थर्ड पार्टी में, और वो अपने अंदर झांक कर देख रहे हैं, हीलिंग प्रोसेस उनकी चल रही है, वो गॉड से जुड़े हुए हैं, सरेंडर कर दिया है उन्होंने गॉड को, अपने आप को, ठीक है। वो अब अपनी ज़िंदगी में नई रंग भरना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में मैं एक नई शुरुआत करूं जिसमें सारे रंग हों, जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हों। और मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी अपने चक्कर में है, थर्ड पार्टी जो है अपने चंगुल में उसको फंसाना चाहती है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर से वो सारे मनमुटाव दूर करके फिर से अपने साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहती है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से इस सिचुएशन में फंस जाऊँगा और ये जगल करने वाली सिचुएशन मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी अभी, क्योंकि वो पहले फंस चुकी है तो उनको एहसास है, इसीलिए उनको गिल्ट भी हो रहा है कि ये सब क्या हो गया मेरे से। बहुत ज़्यादा परेशान है आपके पर्सन, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो फैमिली है, फैमिली तो बाज आने वाली नहीं है। फैमिली सोचती है कि अगर ये पर्सन चला गया तो हमारी लाइफ तो नरक बन जाएगी, हमारे सपोर्ट में कौन खड़ा होगा, तो फिर सब हमारे खिलाफ़ हो जाएंगे। एक तो जो मेरे व्यूवर्स हैं वो भी खिलाफ़ हो जाएंगे, और दूसरा ये जो उनका बेटा या बेटी जो भी हैं वो खिलाफ़ हो जाएंगे, फिर हम तो अकेले पड़ जाएंगे, तो दुनिया के हाथ हमारे ऊपर ही पड़ेंगे, ठीक है। और दुनिया हमें ताने देगी, देखो निकाल दिया बहुत रखा, उनको भी बर्बाद कर दिया और इसको भी निकाल दिया अभी, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थर्ड पार्टी भी कि किसी तरह से इसको कंट्रोल में किया जाए। और आपके पर्सन जो है उड़ान भरना चाहते हैं, आपके पर्सन यहाँ से निकलना चाहते हैं, ब्रेक थ्रो करना चाहते हैं, और यहाँ पर जो है ये सलाखों के पीछे से निकलना चाहते, एक आज़ाद पंछी की तरह आसमान में उड़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अदर पर्सन है, लेकिन जो फैमिली से अलावा है, वो पर्सन भी ये सोचते हैं कि इसको अपने चंगुल में फंसाया जाए। वो कहते हैं कि मुझे आज भी आपके ड्रीम आए हैं, आज भी मैं आपको अपने सपने में देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो आप मेरे सोलमेट हैं, ऐसा उनको एहसास कराते हैं। और उनके साथ में सेलिब्रेट करने की पूरी कोशिश रहती है कि किसी तरह से कुछ ना कुछ सेलिब्रेट किया जाए, चाहे वो पार्टी हो, चाहे जो है बर्थडे हो, चाहे कुछ भी है, वो सेलिब्रेट करने के चक्कर में रहते हैं या वीकेंड को जो है एंजॉय करते रहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये पर्सन हमारे से बहुत दूर निकल जाएगा।
यहाँ पर आपके पर्सन की जो थर्ड पार्टी में साइकिल है वो कंप्लीट हो रही है, यहाँ पर कंप्लीशन को दिखाता है। इसलिए शायद आपके पर्सन जो है अपने अंदर झांक करके और इस पिंजरे से निकलना चाहती है। उनको कहीं ना कहीं उनकी गट फीलिंग ने बताया है कि अभी तुम्हारे कर्माज वहाँ पर क्लींज हो गए हैं, इसलिए शायद आपके पर्सन इस चंगुल से निकलना चाहते हैं, आपके पर्सन इन सलाखों से बाहर निकलना चाहती है, इस थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहती है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइस आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी यानी कि जो उनकी फैमिली है उनसे जब बात करते हैं तो उनकी बात को सुना नहीं जाता है। जब भी वो अपनी फैमिली से बात करते हैं कि मुझे ये करना है ज़िंदगी में, मुझे वो करना है ज़िंदगी में, तो आपके पर्सन की कोई भी बात को सुना नहीं जाता है, क्योंकि अगर सुनेंगे तो रिप्लाई देना पड़ेगा, अगर रिप्लाई देना पड़ेगा तो फिर एक्शन भी होगा, अगर एक्शन होगा तो फिर आपके पर्सन छोड़ कर आ जाएंगे, अगर छोड़ कर आ गए तो फिर क्या होगा, फिर उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, वो अकेले पड़ जाएंगे। अभी आपके पर्सन को वहाँ पर बहुत ही बर्डन लगने लग गए हैं, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में बहुत ही बर्डन सम फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है मैं बोझा ढो रहा हूँ ज़िंदगी का, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मुझे तो इस तरह से इन पक्षियों की तरह खुश रहना है। तो इसलिए आपके पर्सन जो है वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और एक नए विज़न से अपनी लाइफ को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो अदर पर्सन है थर्ड पार्टी वो ये कहती है कि नहीं नहीं आप तो हमारे लवर हैं, आप कैसे छोड़ के चले जाएंगे, आपको तो हमारे साथ ही रहना है, आपको तो गॉड ने हमें गिफ्ट दिया है, आपको तो गॉड ने ही हमारे पास भेजा है, तो आप हमारे सोलमेट हैं, आप हमारे लवर हैं, पास्ट लाइफ हमारा कनेक्शन है, हम एक दूसरे के लिए कितना करते हैं, हम एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा जो है समर्पित हैं, एक दूसरे को हम बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, फिर आप हमें छोड़कर कैसे जा सकती हैं, फिर मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन को एहसास कराती है कि हम दोनों का जन्म जन्म का संबंध है, हम दोनों एक दूसरे के प्रति जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, एक चुंबक की अट्रैक्शन हमारे दोनों के बीच में है, हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, तो हमारा तो संबंध भगवान ने जोड़ा है, हमें कौन अलग कर सकता है। लेकिन आपके पर्सन को ये बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, आपके पर्सन के अंदर अभी जागरूकता आने लगी है, अभी उनको अवेयरनेस होने लगी है कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, यहाँ पर जो मैं फंसा हुआ हूँ वहाँ मेरा जो है गोल नहीं है, जहाँ मैं फंसा हुआ हूँ वो मेरी लाइफ नहीं है, मैं गलती से यहाँ पर फंस चुका हूँ और अभी मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। जैसे नींद से जागे हों ऐसा लगता है कि जैसे कुंभकर्ण की तरह 6 महीने में उठे हों और अभी उनको एहसास हो रहा है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। ठीक है, वो तो अपनी नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस थर्ड पार्टी में या फैमिली में मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, उनको ऐसा लगता है खाली खाली सा, आपके बिना उनको खाली खाली फील हो रहा है, उनको ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं यहाँ पर कैसे फंस गया हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फाइटिंग करने का दिल करता है उनको, वहाँ से निकलने का दिल करता है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइस बहुत ज़्यादा फाइटिंग करने का उनका दिल कर रहा है। और उसके जस्ट नीचे ही है टावर का, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा गुस्से में अगर वो हुए तो टावर इंटरवेंशन की संभावना भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, ये देखिए जिसके जस्ट नीचे ही कार्ड है, मैं आपके सामने ही कार्ड निकाल रही हूँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इसी वजह से आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो चेंज हो रही है और इसी वजह से उनको एहसास हो रहा है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। और मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि शायद टावर की संभावना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि एक बड़ा धमाका हो सकता है, क्योंकि उनको गुस्सा आ रहा है और थर्ड पार्टी जो उनकी फैमिली है वो भी नहीं चाहते कि वो यहाँ से बाहर निकले और अपनी एक नई शुरुआत करें, और जो अदर पर्सन है वो भी नहीं चाहते कि ये हमें छोड़कर जाए, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी को भनक पड़ गई है कि ये यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाने वाला है, क्योंकि साइकिल कंप्लीट हो गई है। आपके पर्सन का आचार व्यवहार जब देखते हैं तो उनको डर लगता है कि शायद ये बदल गया है, शायद इसके अंदर कुछ चेंज आए हैं, क्योंकि आप मेरे व्यूवर्स यहाँ पर इनर वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है गॉड को प्रे करते हैं, आपने गॉड को सरेंडर कर दिया है कि भगवान आप ही जाने, तो भगवान तो कुछ करेगा ना, भगवान के हाथ में जो कुछ है वो तो करेगा अपना। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इनर वॉइस जो उनकी बोलती है वो सुनने लग गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन का मन करता है कि मैं इनके साथ में फाइटिंग करूँ, और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि टावर की संभावना है, फिर से टावर इंटरवेंशन आने की संभावना मुझे यहाँ पर पूरी पूरी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये तो थर्ड पार्टी बाज आने वाली नहीं है, ये आपके पर्सन को अपने चंगुल में फिर से फंसाना चाहती है, आपके पर्सन के ऊपर डोरे डाल रही है। दो अदर पर्सन हैं फैमिली के अलावा, वो तो नहीं चाहती कि आपके पर्सन को किसी भी हाल में छोड़े, क्योंकि वो तो पूरे मज़े ले रही है आपके पर्सन के साथ में, कभी ये जो अदर पर्सन है थर्ड पार्टी
जो ये तो आपके पर्सन के साथ में बहुत इंजॉय कर रही है, बहुत सेलिब्रेट कर रही है, बहुत खुश रहना चाहती है, हर तरह से आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करना चाहती है। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को वहाँ से निकलने देगी। लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी अपना काम कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन का माइंड भी चेंज हो रहा है। इसकी वजह से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ज़रूर ऐसा होगा कि आपके पर्सन वहाँ से निकलेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार कि कितना टाइम लग सकता है। चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत उदास भी हैं आपके पर्सन, लेकिन देखते हैं कि कितने टाइम पीरियड में बाहर निकलेंगे। चलिए देख लेते हैं एक बार चेक करके। वैसे तो हम रोज़ रीडिंग करते ही हैं, लेकिन एक बार आइडिया तो मिल जाए कि कितना टाइम लग जाएगा। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए कि देखिए मुझे तो यहाँ पर गाइस 7-8 दिन भी लग रहे हैं कि हो सकता है कि किसी के पार्टनर तो 7-8 दिन में भी आ जाएं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कितने दिन के अंदर उनके पास आ जाएंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कितने दिन में उनके पास आ सकते हैं थर्ड पार्टी को छोड़ करके। प्लीज़ 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 हेल्प करिए बताने में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी को कब छोड़ कर आएंगे। देखिए गाइस यहाँ पर तो गाइस मुझे दिखाई दे रहा है किसी को 8 महीने भी लग सकते हैं, 8 साल भी आ रहे हैं क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है ना। तो देखिए गाइस ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ सभी चीज़ें रेजोनेट हो, 8 दिन में भी आ सकते हैं, 8 साल भी लग सकते हैं देखो, और 8 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, किसी के 1 महीने में भी आ सकते हैं। सबकी सिचुएशन डिफर करती है, सबके कर्मास डिफर करती हैं इसी वजह से। लेकिन यहाँ पर जो है अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे, अगर आप स्ट्रॉन्गली गॉड से जुड़ेंगे और मेडिटेट करेंगे, आप अपने लेवल तक अपने पार्टनर की एनर्जी को ले आएंगे तो जल्दी निकल कर आ जाएंगे। किसी को 3 दिन भी लग सकते हैं या 3 महीने भी लग सकते हैं गाइस, सबकी सिचुएशन डिफर करती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि मेरे को यहाँ पर 8 साल भी दिख रहे हैं और 8 महीने भी दिख रहे हैं। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर कार्ड बता रहे हैं मैं वही बता रही हूँ। तो सबकी सिचुएशन डिफर करती है, यहाँ पर 8 दिन भी लग सकते हैं। और यहाँ पर जो है आप अगर मैनिफेस्ट करते हैं, आप अपना जो है काम जारी रखते हैं तो जल्दी भी आ सकते हैं, ये सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। क्योंकि यूनिवर्स से जितना हम कनेक्ट होंगे, यूनिवर्स हमारे साथ में उतने ही जुड़ेंगे और उतना ही काम करेंगे। तो जितना हम गॉड को सरेंडर करेंगे, जितना हम मेडिटेट करेंगे, जितना इनर वर्क करेंगे, उतना ही जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश रहेगी। ठीक है, तो ये तो मुझे पता है कि आपके पर्सन वहाँ पर तंग आ चुके हैं, ये तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की आपके लिए क्या एनर्जी है। मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो ऐसा सोचते हैं कि मैंने उनका हार्ट ब्रेक किया है। मेरे व्यूवर्स के बारे में सोचते हैं कि मैंने उनका हार्ट ब्रेक कर दिया था, बहुत दुख दिया मैंने उनको, हद से ज़्यादा परेशान किया है। और इसका जो है उनको बहुत ज़्यादा प्रायश्चित भी है, बहुत ज़्यादा गिल्ट भी है, हमने पहले भी देखा था कार्ड में। तो यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया। वो आपको अपना सब कुछ मानते थे, आपको अपना सब कुछ उन्होंने सौंप दिया था और आपने भी उनको अपना सब कुछ सौंप दिया था। फिर ये हमारे बीच में दूरियाँ कैसे आई, फिर ये मेरे से क्या हो गया, मैंने उनका हार्ट ब्रेक क्यों किया। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ एक ने तो अपने पार्टनर को खुद ही चुना था। यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि
आपको आपके पार्टनर ने खुद ही जो है चुना था अपनी लाइफ के लिए अपने पार्टनर के रूप में, और फिर मैंने ये क्या कर दिया वो ऐसा सोच रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे या आपने कभी गिफ्ट का आदान प्रदान भी किया होगा, क्योंकि ये कार्ड बताता है अभी आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि मुझे फिर से वही लाइफ जीनी है, मुझे अपने पार्टनर से रिकनसाइल करना है, ऐसा सोच रहे हैं। यहाँ पर गाइस मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको अपना एक ट्विन फ्लेम मानते हैं, आपको देखते हैं कि आप जो है कितने अच्छे पर्सन हैं कि अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करते हैं और आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी रही हो आपकी ज़िंदगी की, लेकिन आपने हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ा। चाहे आपकी तबीयत कैसी है, चाहे आपकी सिचुएशन कैसी भी है, चाहे आपको अपनी फैमिली का ध्यान रखना पड़ रहा है, फिर भी आपने अपने वर्क पर ध्यान देना नहीं छोड़ा, आपने हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ा। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि आपको ऐसा देखते हैं मेरे व्यूवर्स को कि डिवाइन शायद आपको सपोर्ट कर रहा है, ऐसा भी वो देखते हैं कि भगवान उसको कितना मदद करता है। ये सही पर्सन है इसीलिए भगवान इसकी मदद करता है, भगवान पता नहीं मेरे लिए कहाँ चले गए हैं, ऐसा भी आपके पर्सन सोचते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक चीज़ों की तरफ भाग रहा है, एक पर्सन जो है भगवान की तरफ देख रहा है, यानी कि मेरे व्यूवर्स शायद जो है वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा गॉड में बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को गॉड से कनेक्ट करके रखते हैं, और आपके पर्सन जो है वो मेटलिस्टिक चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं। ये देखिए पीछे हाथ छुपा रखा है इन्होंने, जैसे कुछ छुपा रहे हो आपसे, और आपके हाथ खुले हैं दोनों ही और आप गॉड की तरफ देख रहे हैं। उनको यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है कि जैसे कुछ छुपा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि यूनिवर्स भी आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, आपके ज़िंदगी में इतने दुख थे पर फिर भी आपको उन दुखों से बाहर निकल आए, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं भगवान आपके साथ में है और वो आपको सपोर्ट कर रहा है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वाकई में ही ये गॉड गिफ्टेड है मेरे लिए, और लेकिन उनके आसपास की जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी उनके आसपास के लोग हैं, चाहे उनकी फैमिली है, चाहे वो अदर पर्सन फंसे हुए हैं, वो लोग जो है उनको उल्टा सीधा भरते हैं आपके खिलाफ, मेरे व्यूअर्स के खिलाफ, तो वो परेशान हो चुके हैं, उनकी रातों की नींद हराम हो जाती है कि ये लोग जो बोलते हैं वो मुझे जचता नहीं है। अभी तक तो मैं बिलीव करता आया था, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो गया था, लेकिन अभी उनको एहसास हो रहा है कि ये सब लोग गलत बोलते हैं उनके बारे में, यानी कि आप मेरे व्यूवर्स के बारे में ये लोग गलत बोलते हैं, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। उनको कहीं ना कहीं एहसास होने लगा है कि ये पर्सन जो है जो मैं रोज़ इनको इसको देखता हूँ, स्पाई करते होंगे आपको या ऑन ऑफ की सिचुएशन होगी, तो मैं रोज़ इसको देखता हूँ, ये पर्सन ऐसा नहीं है जैसा ये लोग मुझे उल्टा सीधा भरते आए हैं, जैसा ये लोग मुझे गाइड करते आए हैं, ये पर्सन ऐसा नहीं है। और इसी वजह से जो है आपके पर्सन धीरे धीरे आपकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। अब ये धीरे धीरे कदम तो बढ़ा रहे हैं, एक जो है कछुए की चाल तो चल रहे हैं, लेकिन ये कब तक पहुंचेंगे वो तो गोडी यूनिवर्स ही जानता है गाइस। मैंने अभी निकाले थे कार्ड कि कितने टाइम में आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकती हैं, तो आपके पर्सन कब तक आपके पास आ सकते हैं वो तो डिवाइन ही बता सकता है, क्योंकि डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं ये भी और आप भी। तो मैंने बताया भी था कि कितना कितना टाइम लग सकता है, तो गाइस वो तो आपके इनर वर्क के ऊपर है और उनके वर्क के ऊपर है कि वो कितना टाइम लगाते हैं वहाँ से निकलने में, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ में एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नए सिरे से एक मस्त मोला टाइप में आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ में ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, जैसे एंजॉय करते हुए बहुत ही खुशियाँ हों जिसमें अबंडेंस हो। देखिए ये पर्सन जो है बड़ी मस्ती में चल रहा है, इसके हाथ में वाइट फूल है, तो मतलब शांति के साथ में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसमें पैशनेट बिगनिंग हो, एनर्जी के साथ में, फुल ऑफ एनर्जी के साथ में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइस आपको वो बहुत ही अच्छा पर्सन देखते हैं, एक स्टेबल पर्सन देखते हैं, बहुत ही नर्चरिंग और केयरिंग पर्सन देखते हैं, इसी वजह से वो आपके साथ में एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। तो गाइस आपके पर्सन की एनर्जी तो मुझे बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है आपके लिए, और गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है कि आपको कोई कॉल या टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि वो अब जिस एनर्जी में है वो एनर्जी बहुत ही चेंज लग रही है, इसकी वजह से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपको कोई कॉल या टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो रिस्क लेना चाहते हैं, फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में और आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ में ही ज़िंदगी में, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रही है, और आपके प्रति उनकी जो थिंकिंग है वो भी पॉजिटिव दिखाई दे रही है, लेकिन उनकी फैमिली या अदर पर्सन या कोई भी जो उनके फ्रेंड्स हैं वो आपके बारे में उल्टा सीधा भरते हैं, तो अभी उनको एहसास हो गया है, वो रात दर दिन आपके बारे में सोचते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, वो क्या कहते हैं और आपकी क्या बातें होती हैं वो सब कंपेयर करके देखते हैं, पास्ट में उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया था वो सब कुछ देखते हैं। तो यहाँ पर गाइस मुझे दिखाई दे रहा है कि कंपेरिजन भी चल रहा है साथ में, तो आपके पर्सन को एहसास हो गया है कि जैसा लोग इनके बारे में बताते हैं वैसे ये है नहीं, ठीक है।
तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर उनको रियलाइज़ हो गया है तो वो जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये थी गाइस आपकी रीडिंग, आई होप गाइस रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो, रेजोनेट तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।